नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो शोध प्रणालियों वाला हमारा चैप्टर चल रहा था उसके तीसरे पार्ट के बारे में। विशेष रूप से इस पार्ट में हम स्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। आपका जो मैथ वाला सिलेबस है, मैथ के सिलेबस में स्टैटिक्स का जो भी पार्ट है उसमें माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए या बहुलक निकालने के लिए भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपने माध्य निकालना, बहुलक निकालना या माध्यिका निकालना नहीं सीखा है तो इस पार्ट के द्वारा उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो शोध प्रणालियों वाला चैप्टर है, उसके दो पार्ट हम पहले देख चुके हैं, तीसरा पार्ट है उसका ये। और इसके साथ ही जो अपना सोशल रिसर्च वाला चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है ये कहाँ से आया, ये लैटिन वर्ड स्टेटस से आया। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो स्टैटिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुई है। वहीं अगर बात की जाए कि इस स्टैटिक्स का या स्टैटिक्स शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था गॉटफ्राइड आकिनवॉल ने। ठीक है, गॉटफ्राइड आकिनवॉल के द्वारा सबसे पहले स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था। परिभाषा को देख लेते हैं। सांख्यिकी क्या होती है? सांख्यिकी एक ऐसी प्रविधि है या ऐसी एक कार्य पद्धति है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, जो भी हमारे संख्यात्मक तथ्य होते हैं। ठीक है, तथ्य कैसे, संख्यात्मक रूप में जो तथ्य होते हैं उन संख्यात्मक तथ्यों का संकलन करने के लिए, यानी उनको इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ जो भी संख्यात्मक तथ्य होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन में, प्रस्तुतीकरण में, और प्रस्तुतीकरण के बाद में उनका एनालिसिस करने में, उनका विश्लेषण करने में हम स्टैटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा को हम दोबारा से फिर देख लेते हैं। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी एक ऐसी विधि या ऐसी कार्य पद्धति है जिसका प्रयोग संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, उनके प्रस्तुतीकरण और उनके विश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, इसकी कुछ उपयोगिता या विशेषताएँ जिनको हम कह सकते हैं उनको देख लेते हैं। स्टैटिक्स की क्या विशेषता है, सांख्यिकी की क्या विशेषता है कि इसका जो स्वरूप होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो संख्यात्मक होता है। यानी इसमें जो भी हमको रिजल्ट प्राप्त होते हैं, इसमें जो भी हमको परिणाम प्राप्त होते हैं वो संख्यात्मक रूप में प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ किन्हीं भी दो घटनाओं या किन्हीं भी दो समस्याओं की आपस में तुलना करने के लिए या उनके बीच में आपस में रिलेशन स्थापित करने के लिए, सहसंबंध स्थापित करने के लिए भी हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। इस सांख्यिकी के द्वारा हमारा जो पर्सनल नॉलेज होती है, व्यक्तिगत ज्ञान होता है एवं जो एक्सपीरियंस होता है, व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में इसके द्वारा वृद्धि होती है। आगे बहुत सारी जो नीति बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी पॉलिसी बनाई जाती हैं उन नीति निर्माण में भी स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ भविष्य का पूर्वानुमान, यानी भविष्य की जो भी घटनाएँ हैं, चाहे मौसम संबंधी घटनाएँ हैं या फिर किसी परिस्थिति संबंधी जो भी घटनाएँ हैं उनका पूर्वानुमान लगाने में भी हम स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये इसके क्या है, विशेषताएँ। इसके साथ साथ स्टैटिक्स के द्वारा यानी सांख्यिकी के द्वारा जो भी सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो भी उपकल्पनाएं हम निर्माण करते हैं अपने मस्तिष्क में, उनकी जांच भी सांख्यिकी के द्वारा की जाती है। सांख्यिकी के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, सांख्यिकी के प्रकार, मुख्य रूप से सांख्यिकी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका वर्णनात्मक सांख्यिकी और दूसरा है आपका निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं? वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या होती है? जैसे आपने बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ी होंगी, जैसे कोई भी, जैसे वन रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाई थी, वन रिपोर्ट हो गया, कोई भी बजट आया, ठीक है, किसी भी साल का कोई बजट आया स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो जब भी कोई विशेष रिपोर्ट आती है तो उसकी जो मूल प्रति होती है, उसकी जो मूल प्रति आपने देखी होगी, कोई भी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, चाहे पशुधन गणना रिपोर्ट आ गई, वन रिपोर्ट आ गई या सेंसस की रिपोर्ट आ गई, तो अगर उसकी आप मूल प्रति को देखेंगे, जो मूल प्रति होती है उसकी, ठीक है, वो आपको मिल जाती है इंटरनेट पर या जो बुक्स में आपने देखा होगा, तो ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें बहुत सारे आपने पाई चार्ट वगैरह देखे होंगे, उसमें बहुत सारे कॉलम वाले इस तरीके से भी बहुत सी चीज़ों को समझाया गया होगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या कर रही हैं, किसी भी चीज़ का वर्णन कर रही हैं, किसी भी घटना का वर्णन कर रही हैं। तो जब किसी भी रिपोर्ट की मूल प्रति में आपने ये सारी चीज़ों को देखा होगा, बहुत सारे ग्राफ बने होंगे, बहुत सारे पाई चार्ट बने होंगे, ठीक है, बहुत सारे कॉलम वाले ग्राफ बने होंगे, इन सभी चीज़ों को यूज किया जाता है सांख्यिकी के द्वारा ही। तो ये जो प्रकार है सांख्यिकी का, ये वर्णनात्मक प्रकार है। इसमें हम किसी भी प्रकार की जो घटना है, समस्या है या कोई सर्वे है उसका क्या कर रहे हैं, हम वर्णन कर रहे हैं, तो ये वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी क्या होती है? निष्कर्षात्मक सांख्यिकी होती है जो हम जनरली यूज करते हैं माध्य में, माध्यिका में और बहुलक में। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी घटना का एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं। तो माध्य हो गया, माध्यिका हो गया या बहुलक हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सोशल रिसर्च में
जो माध्य यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे, चाहे वो समांतर माध्य हो गया, माध्यिका हो गई या बहुलक हो गया। ये जो हैं ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम सोशल रिसर्च में यूज करते हैं, सोशल रिसर्च में इन माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं। तो वन बाई वन इस वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। समांतर माध्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, समांतर माध्य किन किन विधियों से निकाले जाते हैं, माध्यिका क्या होती है, ये किन किन विधियों से निकाली जाती है, बहुलक निकालने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो आपका मैथ है, इसमें जो मैथ पूछा जाना है, मैथ में भी माध्य, माध्यिका, बहुलक से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको माध्य निकालना नहीं आता है, माध्यिका निकालना नहीं आता है या बहुलक निकालना नहीं आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके कह सकते हैं दोनों काम हो जाएंगे। आपका शोध प्रणालियों वाला चैप्टर तो चल ही रहा है और वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो मैथ वाला सेक्शन है उसमें जो माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालने के लिए आते हैं, अगर वो आपसे नहीं आते हैं तो यहाँ से वो भी आप आसानी से सीख जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है एक पंथ दो काज की तरह है, ठीक है। माध्य सबसे पहले हम देखते हैं, माध्य समांतर माध्य कह लीजिए इसको या माध्य कह लिए की बात है। तो माध्य को हम मध्यमान भी कहते हैं, इसके साथ साथ इसको एवरेज भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं। जिस तरीके से एवरेज निकाला जाता है उसी तरीके से माध्य निकाला जाता है, ठीक है। तो माध्य की परिभाषा को अगर हम देखें तो माध्य वह मूल्य है जो किसी पदमाला, पदमाला का मतलब क्या है, कोई भी नंबर की कोई हमको सीरीज़ दे रखी होगी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से कोई सीरीज़ दे दी, इसका माध्य निकलवाना होगा, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पदमाला, ये पदों की माला है, इसमें बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो माध्य वह मूल्य है या वह रिजल्ट है जो किसी पदमाला या श्रेणी, ठीक है, ये श्रेणी भी है, पदमाला या श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग। तो समस्त पद इसके 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे पद हो गए इसके, इन सभी पदों के मूल्य, यानी इसका मूल्य 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 9 है, इन सभी मूल्यों के योग को इनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे, इन सभी का मूल्य, मूल्यों का योग कर लिया जाएगा, उसके बाद में इन पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इस संख्या से उन मूल्यों के योग को भाग दे दिया जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, माध्य मिल जाएगा। तो एक बार इनको जोड़िए, 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24 और 1, 25 हो गई, और 25 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो ये मैंने केवल परिभाषा समझाने के लिए आपको बताया है, बाकी माध्य की जो निकालने की विधियां हैं स्टैटिक्स में किस तरीके से निकाला जाता है उसको हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग को इनकी संख्या से भाग देने पर जो रिजल्ट हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। माध्य के गुण क्या हैं, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं हम, बहुत सरलतापूर्वक इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए जो भी हमारी पदमाला होती है या जो भी हमारी श्रेणी होती है, जो भी हमारी नंबर सीरीज होती है, उसको हमें किसी विशेष क्रम में निकालने की, विशेष क्रम में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका में जितने भी पदमाला दे रखी होती है, जितने भी टर्म्स दे रखे होते हैं, जितने भी पद दे रखे होते हैं, माध्यिका निकालने के लिए हमको उन्हें एक विशेष ऑर्डर में लगाना पड़ता है, पहले आरोही या अवरोही क्रम में उनको पहले लगाना पड़ता है, तब जाके माध्यिका हम निकाल सकते हैं। लेकिन माध्य में इस तरीके का कोई भी काम हमको नहीं करना पड़ता, सरलतापूर्वक इसको निकाला जा सकता है, क्योंकि इसे निकालने के लिए पदों को किसी विशेष क्रम में रखने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। इसके अलावा बीजगणित और अंकगणित दोनों पद्धतियों से माध्य को निकाला जा सकता है, चाहे बीजीय व्यंजक दे रखे हों, ठीक है, कोई भी कह सकते हैं हम बीज गणित जुड़े हुए जो चर होते हैं एक्स वाई जेड इस टाइप में भी हमको दे रखा हो माध्य, तो भी हम निकाल सकते हैं। अंक गणित के फॉर्म में भी इस माध्य को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो माध्य पढ़ रहे थे हम, माध्य की परिभाषा आपने देखी, माध्य निकालने की विधियां, तो यहां पर हम तीन विधियां देखेंगे कुल मिलाकर के, तीन विधियों से माध्य निकालना सीखेंगे। तो एक होती है व्यक्तिगत या सरल श्रेणी, ठीक है, दूसरी है खंडित या विच्छिन्न श्रेणी, और तीसरी होती है सतत या अखंडित श्रेणी। इन तीन श्रेणियों में, ठीक है, चाहे वो व्यक्तिगत सरल श्रेणी हो, खंडित या विच्छिन्न श्रेणी हो, या सतत और अखंडित श्रेणी हो, इसमें हम माध्य को किस तरीके से निकालते हैं इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तिगत या सरल श्रेणी में माध्य किस तरीके से निकाला जाता है। एक प्रॉब्लम है आपके सामने, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका हम व्यक्तिगत या सरल श्रेणी में माध्य निकालेंगे। तो हमें जो सीरीज़ दे रखी है, पदमाला दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, वो दे रखी है 5, 6, 8, 10, 11, इनका माध्य हमको निकालना है। ये आपके सामने फॉर्मूला है, इसको बोलेंगे एक्स के ऊपर बार बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एन, या फिर इसको सिग्मा एक्स अपॉन एन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों का मतलब समझ लीजिए, माध्य को दिखाते हैं हम इससे, ठीक है, एक्स के ऊपर बार से, जिस बीजीय पद के सामने डेल्टा लगा हो या फिर सिग्मा लगा हो, ठीक है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है और ये पूछा भी गया है प्रश्न कि स्टैटिक्स में जो सिग्मा होता है या फिर डेल्टा होता है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, सिग्मा या डेल्टा किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, तो ये योग को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं,
जी यहाँ से योग को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ इसको डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं या फिर इसको सिग्मा एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये माध्य निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। जैसा कि हमने देखा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स का मतलब है ये सारे जो पद हैं, ये पदमाला जो है इनका सभी का योग, या सिग्मा एक्स का मतलब है ये सारी जो पदमाला दे रखी है आपको इस सभी का योग। ठीक है, तो इसका हम योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 + 6 + 8 + 10 + 11, ये हमारे पास योग आ गया। अब जितने हमारे टर्म हैं, जितने हमारे पद हैं, उन सभी को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ये पांच हमारे पास टर्म है। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करेंगे, 11 10 21 21 8 29 29 और 6 35 35 और 5 40, ये टोटल ऐड करके आया हमारे पास 40। 5 से 40 को डिवाइड करेंगे 8 बार, तो 8 जो है आपका क्या निकल आया यहाँ पर, ये आपका माध्य आ गया। अब देखते हैं खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में माध्य, खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में माध्य किस तरीके से निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर m का मतलब आप माध्य समझ सकते हैं। ठीक है, m बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा f, या फिर इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, x पर बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा n। यहाँ पर इन चीज़ों का मतलब क्या है, जो मतलब आपने पहले देखा था, देखिए यहाँ पर एफ एक्स, ठीक है, एफ मतलब यहाँ पे होती है हमारी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, एक्स जो टर्म हमको दे रखे होते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये हमें नीचे यहाँ पे दे रखा है, टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, तो एक्स की वैल्यूज़ हमको दे रखी हैं सारी, एफ की वैल्यूज़ हमको सारी दे रखी हैं। तो एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ और एक्स का हमको गुणा करना है, जो एक्स वाली लाइन में टर्म है, जितने भी टर्म एफ वाली लाइन में है, इन सभी का आपस में हमको गुणा करना है। और एफ एक्स के सामने क्या लगा हुआ है, देखिए सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब है एफ और एक्स का गुणा करने के बाद में सभी चीज़ों को हमको जोड़ना है। ठीक है, इसी तरीके से एफ के सामने सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब है एफ वाली लाइन में जितने भी टर्म हैं इन सभी का हमको योग करना है। मैंने एक चीज आपको बताई थी, जहां सिग्मा लग रहा हो, डेल्टा लग रहा हो स्टैटिक्स में, उसका मतलब होता है योग। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे। तो इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप इसका गुणा करके ऐड करके लिख सकते हैं, या फिर इसको एक अलग टेबल बना के भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करता हूं। जैसे हमारे पास एक्स और एफ दे रखे हैं, तो आप जनरली क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, एक साइड में आप एफ लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो दे रखी है उनको यहां पर लिखिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद में जो f की वैल्यू दे रखी है उनको यहाँ पे लिख लीजिए, 1 8 9, इसके बाद में है आपका 11 7 3। अब जो तीसरा हमको कॉलम निकालना है वो होगा हमारा एफ एक्स, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, देखिए यहाँ पे एफ एक्स है। ठीक है, तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ वाली और एक्स वाली लाइन में जितने भी टर्म दे रखे हैं इन सभी का आपस में मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। 1 का 1 में करेंगे 1, 8 का 2 में करेंगे 16, 9 का 3 में करेंगे 27, 11 का 4 में करेंगे 44, 7 का 5 में करेंगे 35, 6 का 3 में करेंगे 18। अब इसके बाद में क्या निकालते हैं, हमेशा याद रखना, जो F वाली लाइन होती है, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, तो जो F वाली लाइन होती है, इस F वाली लाइन को जोड़ करके जो टोटल अपना आता है उसको हम सिग्मा F लिख सकते हैं, या फिर उसको हम N लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी आए वो लिख सकते हैं। ठीक है, या तो सिग्मा F लिखिए इसको, क्योंकि ये F का पूरा योग है, या फिर इसको N से भी डिनोट हम कर सकते हैं। तो इस सभी का टोटल मान लीजिए, 1 और 8 9 9 9 18 18 और 11 कितने हो गए आपके 18 और 1 19 और 10 29 29 और 7 कितने हो गए आपके 36 36 और 3 36 और 3 39। एक बार और टोटल मान लीजिए, 7 3 10 10 10 20 21 21 और 9 30 30 38 38 और 1 39। ठीक है, चलो हमारा टोटल सही है। अब एफ एक्स वाली लाइन का टोटल मान लीजिए, एफ एक्स का हम टोटल करेंगे तो देखो योग जब हम करते हैं तो सिग्मा लगाते हैं, योग किसका निकाल लें हम, एफ एक्स का निकाल लें, तो इसके सामने सिग्मा लगा देंगे, तो सिग्मा एफ एक्स, इस सभी को जोड़ लीजिए, 1 और 6 7 7 7 14 14 4 18 18 5 23 23 8 31 की 1 3 लगी हासिल, 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 4 10 10 3 13 13 और 1 14, 141 ये आपका टोटल आ गया। अब अपने फॉर्मूले की तरफ चलिए, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, जो माध्य निकालना है हमको, माध्य निकालना है, वो फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 141। ठीक है, और सिग्मा एफ की वैल्यू या एन की वैल्यू कितनी है, 39। अब इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आपका माध्य हो जाएगा, खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सरल या व्यक्तिगत श्रेणी में जब भी हम माध्य निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी टर्म दे रखे होते हैं उनको सभी को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद में उनकी कितनी संख्या है, जिस तरीके से आपने मैथ में एवरेज निकाला होगा उसी तरीके से माध्य निकाला जाता है। तो जितने भी टर्म होंगे उनको जोड़ा, जोड़ करके उनकी संख्या से उसमें हमने क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो हमें माध्य मिल जाएगा। खंडित या विच्छिन्न
क्वेश्चन स्टडी में कैसे निकालते हैं, इस तरीके की एक टेबल आपको दे रखी होगी, अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो इस तरीके की एक टेबल आपको दे रखी होगी, उसमें x और f की वैल्यूज दे रखी होंगी। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे x की वैल्यू एक साइड में उतार लेनी है, f की वैल्यू एक साइड में उतार लेनी है, और तीसरा कॉलम जो हमको बनाना है वो क्या करना है, उसमें हमको f और x का गुणा करना है। f x से गुणा करते चले जाएंगे, यहाँ पे f वाली लाइन को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, सिग्मा f की या फिर n की, उसको जोड़ करके यहाँ लिख लेंगे सिग्मा f x की वैल्यू, इन f x वाले जितने भी टर्म हैं इनको जोड़ करके निकालेंगे और फिर सीधे सीधे इसको इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा, खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में माध्य निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं एक और विधि होती है लघु विधि, या इसको परोक्ष विधि भी कहते हैं। इससे पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, चलिए ठीक है बाद में साफ कर लेंगे। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है देखिए यहाँ पर, इसी को मैं इस विधि से निकालूंगा, आप लघु विधि या परोक्ष विधि से, इसको आप थोड़ा सा ठीक से समझिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके क्वेश्चन में उस क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो ये जो श्रेणी दे रखी है हमको, इसी श्रेणी से हम निकालेंगे। तो एक बार फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स और एफ। ठीक है, एक्स की जितनी भी वैल्यू है उनको यहाँ पर उतार लीजिए, एक दो तीन चार पाँच और छः, इस तरीके से f की जो वैल्यू दे रखी है उनको उतार लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम एक आठ नौ ग्यारह सात और तीन। ठीक है, x की वैल्यू हमने ले ली, f की वैल्यू हमने ले ली। अब इसमें हमको देखना है हम जो माध्य निकाल रहे हैं वो किस विधि से निकाल रहे हैं, लघु विधि या जिसको हम परोक्ष विधि भी कहते हैं या इसको कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, इससे हम माध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा एफ का मतलब आपको पता ही है, देखो सिग्मा एफ का मतलब है जो f वाली लाइन आएगी ये वाली जोड़ के वही आपका सिग्मा एफ होगा। ठीक है, a यहाँ पर a अलग से आ रहा है तो हमको a इसमें से फाइंड करना पड़ेगा किस तरीके से a निकालते हैं, और इसके अलावा हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, dx की। ठीक है, dx इसमें फॉर्मूले के हिसाब से देखिए हमको क्या क्या निकालना है। अभी हमारे पास ये फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो इसमें हमको एफ एक्स और सिग्मा एफ की जरूरत थी केवल माध्य निकालने के लिए। यहाँ पर लघु विधि परोक्ष विधि है तो यहाँ पर a एक्स्ट्रा आ रहा है, इसके अलावा dx आ रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे, a और dx का निर्धारण कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम तीसरा कॉलम बनाएंगे dx। ठीक है, dx कैसे निकालते हैं हम, x माइनस a इस तरीके से निकालेंगे, और एक चौथा कॉलम बनेगा यहाँ पर f dx का, f इंटू dx का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या देखना है, अभी हमने कुछ नहीं किया है इसमें, केवल अपना जो भी क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी, मैंने क्या बताया था f क्या होती है, बारंबारता, f क्या होती है बारंबारता। तो आप इस लाइन में देखेंगे जब भी हम कल्पित माध्य से माध्य निकालेंगे तो आप देखेंगे f वाली लाइन में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 11। ठीक है, 11 जो है 11 ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो टर्म होगा x वाली लाइन में उसको हम मानेंगे a। ठीक है, a का निर्धारण कैसे किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जिस पद की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा a होगा। तो a का निर्धारण करना आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा आपको, जिस पद की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उसी को हम a मानेंगे। ठीक है, ये सारे पद हैं ये इनकी बारंबारताएं हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि चार की जो बारंबारता है, चार की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, तो a जो है हमारा क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। a का निर्धारण हो गया, एक चीज़ क्लियर हुई। अब इसके बाद में हमको निकालना है dx, dx का एक फॉर्मूला होता है dx बराबर x माइनस a। dx कैसे निकालेंगे, x वाली लाइन के जितने भी टर्म हैं पद हैं उनमें से हम a को घटाते चलेंगे। तो x वाली लाइन में कितने टर्म हैं, ये वाले टर्म हैं, इनमें से हर बार आपको क्या घटाना है, a घटाना है, a का मतलब है चार घटाना है। तो सबसे पहला टर्म क्या है x वाली लाइन में, एक है, और एक में से आपको क्या घटाना है, चार घटाना है, तो कितना आएगा, माइनस के थ्री। भाई एक में से चार घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के थ्री आएगा ना, माइनस का ज़्यादा है। ऐसे ही अब दो में से चार घटाएंगे तो माइनस के दो आ जाएगा, ऐसे ही तीन में से चार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। अब चार में से चार घटाएंगे, समझिए क्या कह रहा हूँ मैं, पहले एक्स जब भी हमको डी एक्स निकालना होता है तो एक्स में से ए को घटाते चलेंगे। एक्स वाली लाइन में जितने भी टर्म हैं उनमें से हर बार हमको क्या घटाना है, ए ही घटाना है, चार ही घटाना है। तो एक में से चार घटाएंगे माइनस तीन, दो में से चार घटाएंगे माइनस दो, तीन में से चार घटाएंगे माइनस वन, अब चार में से चार घटाएंगे जीरो, अब पाँच में से चार घटाएंगे एक आ जाएगा, छः में से चार घटाएंगे दो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा dx आ गया। अब अगली लाइन में हमको क्या लिखना है, देखिए f इंटू डी एक्स, एफ वाली लाइन ये रही और dx वाली लाइन ये रही, तो f और dx का हमको क्या करना है, हर बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक का तीन में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के तीन, आठ का माइनस दो में करेंगे तो माइनस के सोलह, नौ का माइनस एक में करेंगे तो माइनस के नौ,
11 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 का 1 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 3 का 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारी व्यवस्था थी यहाँ पर पूरी बन चुकी है। अब क्या करेंगे हम, पहले एफ़ वाले को फॉर्मूले में क्या है, सिग्मा एफ दे रखा है ना, सिग्मा एफ दे रखा है तो सिग्मा एफ का मान निकालिए यहाँ से। सिग्मा एफ का मतलब है इन सभी टर्म्स को हमको जोड़ना है, ठीक है। 1 और 8 9 9 9 18 18 और 11 कितने हो गए, 18 और 19 10 29 29 और 7 36 और 3 39, को पहले भी हम निकाल चुके हैं, 39 सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। डी एक्स से आपको कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए फॉर्मूले में, एफ इंटू डी एक्स चाहिए। तो एफ इंटू डी एक्स सेरा और इसका योग लगा लेंगे तो इसके सामने क्या लग जाएगा, सिग्मा लग जाएगा। तो सिग्मा एफ इंटू डी एक्स, अब यहाँ पर प्लस प्लस वाले नंबर हैं उनको एक साइड में जोड़िए, माइनस माइनस वाले नंबर हैं उनको एक साइड में जोड़िए। 16 और 3 कितने हो गए, माइनस के 19 और माइनस के 28 माइनस के आपके 28 हो गए, और प्लस के कितने हैं आपके, 7 और 6 13, ज़्यादा किसके हैं, माइनस के हैं, तो माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे, 28 में से 13 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 15 बच जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई, इसके अलावा आपके पास सिग्मा एफ डी एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, सीधे सीधे इस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है, और जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूँ, यहाँ से इसको साफ करते हैं। अब जो भी वैल्यू आई है सिग्मा एफ की और सिग्मा एफ डी एस की, इनको हम सीधे सीधे फॉर्मूले में रखेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी 4 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी है, -15। तो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 39, ठीक है। ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। 4 प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यहाँ 15/39 हो जाएगा। इनको काट दीजिए, कट रहा है किसी से, 3 × 15 और ये 13 बार कट जाएगा, ठीक है। 4 − 13 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 में भाग देंगे 13 से, तो लगभग आएगा आपका 0 बढ़ा लेंगे 0.3 और 11 बचेगा 0.38 के समथिंग आएगा। अगर 13 से हम 5 में भाग देंगे तो 0.38 के समथिंग आएगा। अब 4 में से 0.38 को घटा दो तो लगभग कितना आएगा, 3.62, ठीक है। 3.62 जो आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा व्यक्तिगत या सरल श्रेणी में माध्य देखा, सीधे सीधे पदों को देखना है, जोड़ना है और पदों की संख्या से भाग दे देना है। खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में क्या करना है आपको, एफ एक्स का गुणा करना है, एक्स और एफ का गुणा करने के बाद में उनको जोड़ लेना है और सिग्मा एफ से भाग दे देना है। और लघु विधि, परोक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि से इस तरीके से, जैसे आपने देखा है यहाँ पे, सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी उसके सामने वाला जो टर्म होगा वो ए होगा। डी एक्स कैसे निकालेंगे, हर बार एक्स में से ए को घटाते चलेंगे, डी एक्स निकल आएगा। अगली लाइन में एफ और डी एक्स का गुणा करेंगे, एफ को अलग जोड़ लेंगे, एफ डी एक्स को अलग जोड़ लेंगे और फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये होगी आपकी लघु विधि, परोक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि। चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि सतत या अखंडित श्रेणी में माध्य किस तरीके से निकाला जाता है। एक प्रॉब्लम आपके सामने दे रखी है, समस्या यहाँ पे, एक कक्षा में बच्चों के भार का विवरण निम्नलिखित है, माध्य ज्ञात करो। ये विवरण दे रखा है सवाल का, भार दे रखा है, इसको आप माइनस नहीं समझिएगा। ये लिखा हुआ है जो 20 से 25, इसको क्या बोलेंगे हम, 20 से 25, ये वाली जो होती है अपनी निम्न सीमा होती है और ये वाली जो होती है अपनी उच्च सीमा होती है। इस तरीके की जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको हम बोलते हैं वर्गांतर या वर्ग अंतराल, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल जो है 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। इसका मतलब सीधा सीधा क्या समझ सकते हैं आप, कि 20 से 25 भार वाले बच्चों की संख्या जो है वो 6 है, 25 से 30 भार वाले बच्चों की संख्या 11 है, 30 से 35 भार वाले बच्चों की संख्या 15, 35 से 40 भार वाले बच्चों की संख्या 9, 40 से 45 भार वाले बच्चों की संख्या 7 है और 45 से 50 भार वाले बच्चों की संख्या जो है वो 2 है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। अब इस तरीके की सिचुएशन दे रखी है तो यहाँ से हम माध्य किस तरीके से निकालेंगे वो आप यहाँ पर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको वर्गांतराल दे रखा होगा या वर्गांतर दे रखा होगा उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वर्गांतरल निकालने के बाद में हमारा जो दूसरा काम होता है वो ये होता है कि इस वर्गांतर की सहायता से हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान किस तरीके से निकालते हैं, जो हमने निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है उस दोनों को जोड़ करके उनका आधा कर देते हैं। तो 20 और 25 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 का आधा यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 22.5, ठीक है। इसी तरीके से 30 और 25 जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा, 55 हो जाएगा, और 55 का जब हम आधा करेंगे तो 55 का आधा कितना आएगा, 27.5
5, ठीक है। अब आपको सभी को इन चीज़ों को जोड़ करके आधा करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देखेंगे जो हमारा वर्गांतराल है इसमें डिफरेंस कितने कितने का है। देखिए यहाँ से सब 5-5 का डिफरेंस है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 25, 30, 35, 40, 45, 50, सब में 5-5 का डिफरेंस है। तो 5-5 का डिफरेंस है तो सीधी सी बात है मध्यमान में आप 5-5 ऐड करते चलिए, ये चीज़ें आसानी से निकल जाएंगी। तो 27 और 5 कितने हो जाएंगे, 32.5, 32 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 37.5, 37 और 5 हो जाएंगे आपके 42.5, और 42 और 5 कितने हो जाएंगे 47.5। जोड़ करके आप आधा करेंगे इतना ही आएगा, देखिए किसी का भी जोड़ करके देख लीजिए आप, 40 और 45 जोड़ करके कितने हो जाएंगे आपके 85, और 85 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 42.5, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, हर टर्म को जोड़ करके आधा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल डिफरेंस देखिए यहाँ से अंतर कितने का है और उसी अंतर को इसमें ऐड करते चलिए, मध्यमान आपका निकल आएगा। तो मध्यमान हमने निकाल लिया वर्गांतर की सहायता से। एफ की वैल्यू हमको सारी दे रखी है, बारंबारता ही दे रखी है, 6, 11, 15, 9, 7, 2 ये सारी बारंबारता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, मध्यमान मतलब हमारा एम ये रहा हमारा, एफ ये रहा, एम और एफ का हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि मैं भी कैलकुलेटर नहीं हूँ, तो सुविधा की दृष्टि से इनकी सारी जो कैलकुलेशन है वो मैंने करके रखी है पहले ही से, ठीक है। तो इसको 22.5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 135, 27.5 का गुणा अगर हम 11 में करेंगे तो आएगा आपका 302.5, ठीक है। अब 32.5 का गुणा 15 में करेंगे तो 32.5 का 15 में गुणा करने पर आएगा आपका 487.5, ठीक है। ऐसे ही 37.5 का ही थोड़ा सा यहाँ पे कितना लिख रहा है 972, ठीक है 972। 37.5 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 337.5। 42.5 का गुणा 7 में करेंगे तो आएगा आपका 297.5, और 47.5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा सीधा सीधा 95, ठीक है। कोई भी इसमें घबराने वाली चीज़ नहीं है या कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। देखिए सीधे सीधे दो चीज़ें हमको दे रखी थी यहाँ पे, एक भार दे रखा था यानी वर्गांतर, एक बच्चों की संख्या यानी बारंबारता। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा हमको दो टर्म निकालने पड़े यहाँ पे, एक मध्यमान निकालना पड़ा हमको। मध्यमान कैसे निकाला, हमने जितने भी वर्गांतर वाली लाइन में टर्म दे रखे हैं उनको जोड़ करके आधा करो, और आधा करके जितना जितना अंतर है उसमें उतना उतना अंतर उसमें ऐड करते चलो, ठीक है। तो ऐड करते चलेंगे तो मध्यमान आ गया, एफ की वैल्यू हमको दे ही रखी थी, ठीक है। और मध्यमान और एफ का गुणा करके हमने यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे पहले से इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है और यहाँ पे मैं गुणा करने लगूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला हमारा वही है, एफ वाली लाइन को जोड़ लेंगे हम, एफ वाली लाइन को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आएगा। जोड़िए इन सभी को, 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17, 17 5 22 और 10 32, 32 और 9 41 और 7 कितने हो गए 48 और 2 50। सिग्मा एफ को जोड़ करके हमारी वैल्यू आई 50। अब इसके बाद में एफ एम वाली लाइन को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे हम सिग्मा एफ एम, ठीक है, या एम एफ। तो ये आ जाएगा लगभग हमारा 1655 जोड़ करके, ये पूरा एफ एम वाली लाइन को जोड़ करके हमारा 1655 आएगा। अब हमको माध्य निकालना है, माध्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा एफ एम या एम एफ बट्टे सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एफ की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1655, 1655 में भाग दे देंगे कितने से 50 से, 1655 और इसमें भाग दे देंगे कितने से 50 से। तो 1655 में जब 50 से भाग देंगे तो लगभग हमारा जो वैल्यू आएगी वो 33.10 के समथिंग आएगी, ठीक है। तो ये हमारा माध्य हो गया। तो यहाँ पर अगर वर्गांतर दे रखा हो तो वर्गांतर से किस तरीके से माध्य निकालते हैं वो आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए इसको, सबसे पहले जो हमें वर्गांतर दे रखा होगा उसकी सहायता से हमको मध्यमान निकालना है। मध्यमान कैसे निकालना है, दोनों टर्म को जोड़ना है आधा कर देना है, दोनों टर्म को जोड़ना है आधा कर देना है। और सभी को जोड़ करके आधा करने की जो प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी अंतर दे रखा होगा वर्गांतर में उसमें ऐड करते चलिए। जैसे मैंने पहला निकाल लिया केवल 22.5 जोड़ करके दोनों को आधा करके, इसके बाद में मुझे पता है इसमें 5-5 का अंतर है तो इसमें मैं 5-5 बढ़ाता चलूँगा। 22.5 है तो 27.5, 27 में 5 जोड़े तो 32, 32 में 5 जोड़े तो 37, 37 में 5 42, 42 में 5 जोड़े तो 47, ठीक है। उसके बाद में एफ हमको दे ही रखा है, एम एफ का गुणा करके यहाँ पर लिख लिया, एफ वाली लाइन को ऐड करके सिग्मा एफ निकाला, एफ एम वाली लाइन को ऐड करके सिग्मा एफ एम निकाला, ठीक है। अब फॉर्मूले में रखती है सारी चीज को, एफ एम की वैल्यू 1655 और सिग्मा एफ की वैल्यू 50, 50 से डिवाइड करेंगे तो 33.10। ये हो गया आपका सतत या अखंड श्रेणी में माध्य निकालने की विधि, ठीक है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में माध्य वाला जो जुगाड़ है वो खत्म हो गया हमारा, इसके बाद में माध्यिका की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं माध्यिका के बारे में, माध्यिका क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। माध्यिका की परिभाषा देखें तो जैसे कोई श्रेणी दे रखी है, कोई भी पदमाला दे रखी है, उस श्रेणी के जितने भी टर्म होंगे उसके जितने भी पद होंगे सबसे पहले उनको किस में रखेंगे, हम आरोही क्रम में रखेंगे। यानी किसी श्रेणी के पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो बीच वाला टर्म होगा उसको क्या कहेंगे, हम माध्यिका कहेंगे, ठीक है। किसी श्रेणी के पद मूल्यों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें
तो जो बीच का पद होगा या बीच के पद का जो मान होगा वो क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, माध्यिका के गुण क्या क्या हैं, इसका सफलतापूर्वक निर्धारण किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसका मान जो होता है माध्यिका का वो बिल्कुल शुद्ध होता है। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी एक श्रेणी दे रखी हो उसमें एक से अधिक माध्यिकाएँ नहीं हो सकती हैं, एक श्रेणी में एक ही माध्यिका होती है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका मान जो होता है वो बिल्कुल सर्टिफाइड होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, इसके साथ साथ माध्यिका को ग्राफ एवं चित्रों के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम जिस तरीके से हमने माध्य निकालने की अलग अलग विधियों को देखा था, उसी तरीके से हम माध्यिका निकालने की भी अलग अलग विधियों को देखेंगे। ठीक है, तो माध्यिका निकालने की विधियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं खंडित श्रेणी में माध्यिका कैसे निकाली जा सकती है। एक प्रश्न दे रखा है आपके सामने, 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं, 20, 25, 30, 35, 40, 24, 24, 15, इनकी हमको क्या निकालनी है, प्राप्तांकों की हमको माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका जब भी हम निकालते हैं कौन सी श्रेणी में, खंडित श्रेणी में, तो वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो भी टर्म होंगे हमारे, जो भी पद होंगे, उनको सबसे पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले देखिए छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। सबसे छोटा टर्म कौन सा है, इसमें 15, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 15। ठीक है, 15 के बाद में देखिए 20 आ जाएगा। ठीक है, 15 के बाद में हम 20 लिख लेंगे यहाँ पर, 20 के बाद में यहाँ पर 24 और फिर 24, 24, 24 हमने दो बार लिख लिया, अब इतने हो गए। इसके बाद में हमारे पास बचा 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40। ठीक है, 25, 30, 35 और 40, इन सभी टर्मों को हमने किस में रखा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब दूसरा काम क्या होगा, इनको गिनेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो पदों की संख्या आई है हमारी, पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, पदों की संख्या कितनी आई है हमारी, 8। तो सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, उसके बाद में पदों को गिनना है, और गिनने के बाद में ये देखना है कि जो संख्या हमारे पास आई है वो कैसी है, सम है या विषम है। तो 8 हमारी संख्या कैसी है, ये सम है। अब यहाँ पर आप दो फॉर्मूले याद रखेंगे, ठीक है, जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, और विषम हो तो कैसे माध्यिका निकालेंगे। तो जब पदों की संख्या सम हो तो जो माध्यिका होगी हमारी m, वो क्या होगी, n बट्टे दो वां पद प्लस n बट्टे दो प्लस 1 वां पद और इस पूरे के नीचे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, जब हमारी पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका किस तरीके से निकालेंगे, n बट्टे दो वां पद प्लस n बट्टे दो प्लस 1 वां पद। अब इसको कैसे निर्धारित करेंगे, n हमारी कितनी है, 8, तो n की वैल्यू है हमारे 8 रखेंगे, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 वां पद प्लस n की जगह पर 8 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे उसको, 4, 4 और 1 इसमें जोड़ देंगे तो 5वां पद। समझ में आया, ठीक है, अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो 4वां पद और 5वां पद कहाँ से लेंगे हम, जो हमने श्रेणी आरोही क्रम में व्यवस्थित की है उसी में से हम 4था और 5वां टर्म निकालेंगे। तो 4वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 4वां पद है हमारा 24, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 24। 5वां पद हमारा कितना है, 25, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 25, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 25 और 24 कितने हो जाएंगे, 49 बट्टे 2, 2 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, 2 × 4, 2 × 4, 8, 24.5 जो है वो हमारी माध्यिका निकल आएगी। ठीक है, ये कब है, जब पदों की संख्या हमारी कैसी हो, सम हो। अगर पदों की संख्या विषम हो, n बराबर कैसी दे रखी हो हमको, विषम दे रखी हो, तो जो माध्यिका होगी वो सीधी सीधी n प्लस 1 बट्टे 2 वां पद। ठीक है, ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अगर सम संख्या हो पदों की तो फॉर्मूला ये वाला लगाना है, पदों की संख्या विषम हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इस तरीके से जो माध्यिका निकालते हैं हम, वो खंडित श्रेणी में माध्यिका होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो भी हमको नंबर सीरीज दे रखी होगी उसको सबसे पहले हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, छोटे पद से लेकर के बड़े पद की तरफ चलना है। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, उसके बाद में पदों को गिनना है, गिनने के बाद में संख्या ये देखनी है हमको, सम आई है विषम आई है, सम आई है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना है, और विषम आई है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। चाहे तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में फिर हम माध्यिका की दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। अभी आपने सीखा खंडित श्रेणी में माध्यिका कैसे निकालते हैं, इसके बाद में जो हम माध्यिका निकालना सीखेंगे वो जानेंगे कि अखंडित या सतत श्रेणी में माध्यिका को किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो सतत या अखंडित श्रेणी में जिस तरीके से हम माध्यिका निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, x बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और ब्रैकेट में m माइनस c। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सतत या अखंडित श्रेणी के लिए। ठीक है, अब ये हमको प्रॉब्लम दे रखी है, एक समस्या दे रखी है, सवाल दे रखा है, प्राप्तांक समूह दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये इसकी आवृत्ति दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 3, 9, 15, 30, 18, 5। इस
प्रॉब्लम का हमको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है सतत या अखंडित श्रेणी में। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना होगा, जो प्राप्तांक समूह जिसको मैंने बताया था आपको, इसको वर्गांतर कहते हैं। एक लाइन वर्गांतर वाली लिखेंगे हम, जो भी यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं 0 से 10, 10 से 20, ये हमने वर्गांतर लिख लिया। आवृत्ति लिखा हमने दूसरे साइड पर, F3, 9, 15, 30, 18, 5, ये जो दे रखी है ये आवृत्ति है। तीसरा जो उसमें निकालते हैं, हम निकालते हैं CF। CF क्या होती है, आपकी संचयी बारंबारता होती है। संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल आसान है निकालना। जैसे 3 यहाँ पर दे रखा है तो 3 का 3 लिख देंगे। अब हर अगले टर्म को जोड़ करके इसमें आगे लिखते चलेंगे। जैसे 3 हमने लिखा यहाँ पर, 3 को 9 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 को 15 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 को 30 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57, 57 को 18 में ऐड करेंगे 57 और 8 कितने हो जाएंगे 65 और 10 75, ठीक है 65 75 ही हो गया ना, हाँ 75 75 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सी एफ वाली लाइन अपनी तरफ से निकाल ली है। अब इसमें जो फॉर्मूले में इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, L1, L2-L1, M-C, इनकी वैल्यू कहाँ से निकलेंगी वो यहाँ पे देखिए। अब ये हमारा जो जोड़ के आया था लास्ट में 80 आया था, और ये हमारा सही निकला है या नहीं निकला है इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, F वाली लाइन को एक बार जोड़ लीजिए। तो F वाली लाइन को भी आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। तो F वाली लाइन का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद अगर सेम आ रहा है तो अभी तक हमारा जो काम है वो सही दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर N की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, N बट्टे 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। M बराबर क्या होता है, हमारा जो आपके फॉर्मूले में जो M दे रखी है, M का मतलब होता है N बट्टे 2 वाला टर्म जो होता है। तो M बराबर N बट्टे 2, N कितनी है हमारी 80 है, तो N की जगह पर 80 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो 40 निकालेंगे तुम यहाँ से 80 में 2 का भाग दे करके, यानी N का आधा करके जो आपकी वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हमको कहाँ पर फाइंड करना है, संचयी बारंबारता वाली लाइन में। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, संचयी बारंबारता निकाली। संचयी बारंबारता वाला जो लास्ट वाला टर्म होगा, ये और F वाली लाइन का पूरा योग मिला करके सेम होना चाहिए, और जो योग आएगा उस योग में हम 2 से भाग देंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम संचयी बारंबारता वाली लाइन में ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 है 12 है 27 है, यहाँ पर देखिए जो 57 वाली लाइन है, ये वाला 57 वाला जो टर्म है, तो ये 40 जो है वो कहाँ पर रिलाई करेगा, ये 40 जो है ये 57 के अंदर यहाँ पर दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी 27 तक है। 27 से लेकर के आगे की जितनी भी वैल्यू है, 27 से आगे का जो भी मान है हमारा, 27 से लेकर के 57 तक का, वो यहाँ पर रिलाई करेगा। तो जो 40 वाला टर्म है वो कहाँ पर होगा अपना, यहाँ पर होगा। तो जो टर्म आपको पता चल जाए कि इस वाली लाइन में है, तो उसी के सामने आ जाइए यहाँ पे, उसके सामने वाला जो वर्गांतर होगा, ठीक है, इसको हम मानेंगे अपना L1 और L2, ठीक है। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। दोबारा से देखिए, F वाली लाइन का योग करना है, और संचयी बारंबारता आपने पता चल गया कैसे निकालनी है, 3, 9, 3, 12, 12, 15, 27, 27, 30, 57, 57, 18, 75, 75, 5, 80, लास्ट वाला टर्म संचयी बारंबारता का, F वाला पूरा योग मिला करके सेम होना चाहिए, जो योग आएगा उसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको हम संचयी बारंबारता वाली लाइन में फाइंड करेंगे, तो हमको पता चलेगा 40 कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे होगा। इसके सामने वाला जो वर्गांतराल होगा, ठीक है, उसी को हम L1 और L2 की वैल्यू मानेंगे, ठीक है। उसके सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी में होगा इसको F मानेंगे, और जिस टर्म में हमने 40 को देखा था, यानी 57 के अंदर ही तो हमने 40 को देखा था, इसके जस्ट ऊपर वाला जो पद होगा इसको हम C मानेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है, ठीक है। ये वैल्यू जो आपको दे रखी है वो इस तरीके से निकाल ली है। जो आपका जो वर्गांतराल होगा उसको L1 L2 मान लेंगे, उसके सामने वाले फ्रीक्वेंसी को हम F मान लेंगे, और जहाँ पर हमने 40 को फाइंड किया था उससे जस्ट ऊपर वाले टर्म को हम C मान लेंगे। यहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब कुछ नहीं करना है, सीधा ये वैल्यू जाके हमको इस सूत्र में लगा देनी है। तो X बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे L1 की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। इसके बाद में प्लस लगाया L2 माइनस L1, 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, बट्टे F, F की वैल्यू कितनी है 30, ब्रैकेट में क्या लिख रहा है M-C, M की वैल्यू कितनी थी, M की वैल्यू थी हमारी 40, माइनस C की वैल्यू कितनी है 27, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 30 आ जाएगा, एक बचाए ऊपर एक का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, 40 में 27 घटाएंगे कितना आएगा 13, 13 का गुणा एक में करेंगे तो 13, नीचे 3, 30, 3 का भाग 13 में देंगे तो 3 चौका 12, और लगभग 0.333 के समथिंग आता चला जाएगा यहाँ पे। तो 30 और 4.33 को जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 34.33, ये आपकी क्या हो जाएगी,
माध्यिका हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जी हमने जो निकाली है ये कौन सी श्रेणी में निकाली है, सतत या अखंडित श्रेणी में हमने ये माध्यिका निकाली है। ठीक है, मेन चीज़ है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, किस तरीके से जो चीज़ें दे रखी हैं फॉर्मूले में उनका निर्धारण कैसे कैसे होगा ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमको दे रखी थी वो वर्गांतर हमने जैसा था वैसा उतारा। इसके बाद में जो एफ दे रखी थी इसको हमने जैसा था वैसा उतार लिया। इसके बाद में संचयी बारंबारता निकाली, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, एफ पाई लाइन का जो पहला टर्म होता है उसको यहीं पर रख देते हैं, फिर जोड़ते चलते हैं आगे। 3, 9, 12, 12, 15, 27, 27, 30, 57, 57 और 18, 75, 75, 5, 80, ये वाली लाइन का लास्ट पद बारंबारता वाली लाइन को पूरा जोड़ करके जो योग आएगा दोनों सेम होने चाहिए, उस योग को आधा कर देंगे। आधा करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको हम संचयी बारंबारता वाली लाइन में फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद में हमको पता चल जाएगा वो किस वाली लाइन में रिलाई करता है। उसके सामने वाला जो वर्गांतर होगा उसको हम L1 और L2 मान लेंगे। L1 L2 के सामने जो बारंबारता होगी उसको F मान लेंगे, और जहां पर हमने 40 को खोजा था उसके ऊपर वाला जो टर्म होगा उसको हम C मान लेंगे। पूरी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, आपकी सतत या अखंड स्टडी में माध्यिका निकल आएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम दूसरी चीज़ों की तरफ देखते हैं। माध्यिका के बाद में अब जानते हैं बहुलक के बारे में कि बहुलक क्या होता है। बहुलक की परिभाषा को अगर देखें तो बहुलक वह मूल्य है जिसका प्रयोग किसी भी पदमाला में, पदमाला मतलब जो नंबर्स की सीरीज होती है, किसी भी पदमाला में सबसे ज़्यादा बार होता है। ठीक है, बहुलक क्या होता है, जिस पद का सबसे ज़्यादा बार यूज होता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। इसके गुण या विशेषताओं की तरफ देखते हैं। यह श्रेणी का सबसे अधिक मूल्य वाला पद नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऐसा पद नहीं है जिसका मूल्य अपने आप में ज़्यादा हो, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, वो वाला टर्म नहीं है ये। ये कौन सा टर्म है जिसका प्रयोग पदमाला में सबसे ज़्यादा बार हो, कितने टाइम बार आया है, सबसे ज़्यादा टाइम बार ये यूज होता है। ठीक है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। बल्कि इसका अपने आप में क्या वैल्यू है, इसकी अपने आप में इसका मूल्य क्या है, वो मैटर नहीं करता है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र जैसे लोकप्रियता के बारे में जानने के लिए, कौन से व्यक्ति की लोकप्रियता कितनी है, किसी चीज़ की लोकप्रियता को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फैशन इत्यादि के क्षेत्र में भी इसका यूज किया जा सकता है। अब हम निकालना सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक के बारे में जानते हैं। जैसे कोई सवाल दे रखा है 15 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं, ये जो है 15 छात्रों के प्राप्तांक हैं। ठीक है, 15 20 22 जो भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये 15 छात्रों के प्राप्तांक हैं और इनमें से आपको बहुलक निकालना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक कैसे फाइंड करेंगे, सीधा सीधा तरीका है। अगर इस तरीके से हमको निकालना है तो हम ये देखेंगे इस पूरी पदमाला में, इस पूरे नंबर्स की सीरीज में ऐसा कौन सा टर्म है जो सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए 22 एक बार, 22 दो बार, 22 तीन बार और 22 चार बार। जो 22 वाला टर्म है, 22 वाला जो पद है, ये सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ है इस पूरी पदमाला में। बाकी के जितने भी पद हैं वो इससे कम बार यूज हुए, तो इसका बहुलक जो है वो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ आपको देखना नहीं है। व्यक्तिगत श्रेणी में जब हम बहुलक निकालते हैं तो ऐसा टर्म खोजते हैं जो किसी भी पदमाला में सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ हो, वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, खंडित श्रेणी में बहुलक कैसे निकालेंगे, यही प्रॉब्लम है, यही सवाल है, इसी को हम खंडित श्रेणी में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको दो कॉलम बनाने पड़ेंगे। जैसे प्राप्तांक है, एक साइड में हमने लिखी है बारंबारता। बारंबारता का मतलब है कौन सा प्राप्तांक कितनी बार आया है। ठीक है, तो प्राप्तांक इसमें से जितने भी नंबर हैं, इसमें जो भी आपको प्राप्तांकों में नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स को हम यहाँ पर उतार लेंगे। कोई भी नंबर हम डबल नहीं उतारेंगे, ठीक है, सिंगल बार। जैसे 15 है तो 15 दो बार आया है पूरी सीरीज में, तो हमने इसको सिर्फ एक बार लिखा है। ऐसे ही 20 जो है वो एक बार आया है, 22 जो है चार बार आया है, तो हमने उसको सिर्फ यहाँ पर एक बार लिखा है। तो सभी जो है यहाँ पर जितने भी पद दे रखे हैं उन सभी पदों को उतार लेंगे। फिर स्टडी में ये देखेंगे कि कौन सा पद कितने बार आया है। तो जो 15 आया है इसमें आप गिन के देखेंगे, एक 15 यहाँ पे है और एक 15 आपका यहाँ पे है। तो 15 दो बार आया है तो 15 के सामने दो लिख दिया, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो दो है ये बारंबारता है। किसकी बारंबारता है, 15 की। 15 कितनी बार आया है, दो बार आया है, तो दो जो है 15 की बारंबारता है। ऐसे ही 20 इस श्रेणी में पूरी में एक बार आया है, 22 इस श्रेणी में चार बार आया है, 21 इस श्रेणी में दो बार आया है, बाकी जितने भी नंबर हैं ये सभी एक एक बार आए। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे, आप देखिए 2 और 1 3, 3 4 7 2 9 10 11 12 13 14 15, और हमारे जो टर्म थे वो कितने थे, 15 ही तो थे। तो सभी टर्म यहां पे हम लिख चुके हैं।
इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको स्टडी बना करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पद 22 है इसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 22 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार आया है तो बहुलक जो है वो 22 होगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में इस तरीके से सीधे सीधे निकाल देते हैं, खंडित श्रेणी में इसकी दो जो है हम कॉलम बना करके निकालते हैं, ठीक है, उनकी जितने भी टर्म होते हैं उन सबकी बारंबारता को हम अलग अलग रूप में यहाँ पर दिखाते हुए इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये खंडित श्रेणी में हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मैथ वाले सेक्शन के लिए वो ये है सतत या अखंडित श्रेणी में हम कैसे निकालते हैं बहुलक, ठीक है। तो ये एक सवाल दे रखा है, ये प्राप्तांक दे रखे हैं आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपको प्राप्तांक दे रखे हैं वर्गांतर के रूप में। और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 7, 25, 10, 12। इसका मतलब क्या है, 0 से 10 प्राप्तांक जो है, 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्र जो होंगे उनकी संख्या 5 होगी, 10 से 20 के बीच में जिन्होंने अंक प्राप्त किए होंगे उनकी संख्या 7 होगी, 20 से 30 वालों की संख्या 25 होगी, 30 से 40 वालों की संख्या 10 होगी और 40 से 50 वालों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। तो ये एक सवाल दे रखा है। अब इससे सतत या अखंडित श्रेणी में जब हम बहुलक निकालेंगे तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। जो फॉर्मूले हैं जितने भी, चाहे माध्यिका बताया है, चाहे माध्यिका का बताया है या फिर आपको बहुलक का फॉर्मूला बताया है, इन फॉर्मूले को आप एक जगह पर लिख लीजिएगा बस, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो मार्क्स हैं जितने भी प्राप्तांक हैं वो हमने लिखे यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जैसे दे रखे हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बारंबारता जो दे रखी है वो वैसे ही लिख दी है। अब मुख्य काम हमारा जो प्रारंभ होता है वो कहाँ होता है, कि जो फॉर्मूले में हमारे जितने भी टर्म दे रखे हैं, फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं उनको निर्धारित कैसे किया जाएगा। तो निर्धारित करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में देखेंगे और ये देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है आपकी 25, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी उसको हम F1 मान लेंगे, उस सबसे ज्यादा बारंबारता वाले ऊपर वाली जो बारंबारता होगी उसको एफ नॉट मान लेंगे, ठीक है, इसको F0 या एफ नॉट बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बारंबारता को हम F1 मानेंगे, उससे ऊपर वाली को F0 या एफ नॉट मानेंगे और उससे नीचे वाली को हम क्या मानेंगे, F2 मानेंगे, ठीक है। और इधर से ये जो होगा आपका इस सबसे ज़्यादा बारंबारता वाले सामने के उसके सामने वाला जो वर्गांतर होगा ये जो होगा हमारा L1 और L2 होगा, हालांकि इसमें L2 की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, केवल L1 की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो यहाँ से होगी, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर I आया है, तो I का मतलब क्या होता है, यहाँ पर I का मतलब आप लगाएंगे I, कहीं कहीं पर ये D भी लिखा होता है ऐसे करके, ठीक है। तो I या फिर D हो इसका मतलब होता है डिफरेंस कितने का है वर्गांतर में, जो अंतर है, तो अंतर 10-10 का है तो इसका मतलब है I की वैल्यू 10 है। फिर दोबारा से देख लीजिए, कुछ नहीं इसमें अलग से किया है, प्राप्तांक थे जैसे थे वैसे उतार दिए, बारंबारता थी जैसी थी वैसे उतार दी। निर्धारण करने के लिए हमने क्या किया, सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला टर्म ये है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, इस फ्रीक्वेंसी को हमने F1 माना, F1 के ऊपर वाले टर्म को हम F0 मानेंगे और F1 के नीचे वाले टर्म को F2 मानेंगे, ठीक है। बारंबारता के सामने जो वर्गांतर होगा उसको L1 L2, और जो डिफरेंस होगा 0 से 10, 10 से 20, कितने कितने का अंतर है इसमें, 10-10 का अंतर है तो इसको हम I मान लेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, ये फॉर्मूला है बहुलक निकालने का सतत या अखंडित श्रेणी में, L1 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 के नीचे है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 की वैल्यू यहाँ से देखिए 20 है, ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 25 था और F1 माइनस F0 लिख रहा है तो F0 कितना है 7, तो 25 माइनस 7 ऊपर हो गया 2F1, F1 कितनी है 25, इसमें 2 का गुणा हो रहा है तो 50 हो जाएगा, फिर माइनस F0 माइनस F2 यानी 7 और 10 और I की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। 20, 25 में से 7 गए 18, 50 में से 10 और 7 17 को घटाएंगे तो 33 गुणा 10 आ जाएगा, यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, 18 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 180 का 33 से भाग देंगे 180 में तो लगभग आएगा 5.45, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25.45 आपकी जो आ जाएगी बहुलक आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पूरी वीडियो में आपने देखा कि माध्य किसे कहते हैं, माध्य निकालने कितने तरीके हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका के गुण क्या हैं, माध्यिका कितने तरीकों से निकाली जाती है, बहुलक क्या होता है, बहुलक की विशेषता क्या होती है, बहुलक कितने तरीकों से निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद में कुछ 8-10 क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ से नहीं लिए, 2-8-10 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस पूरे चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को आप देख लीजिए, उसके बाद में ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चाहें तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ देखते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आने की प्रबल संभावना है, इन 7 प्रश्नों में से ही, ठीक है। तो सांख्यिकी माध्यम का विज्ञान है ये किसने कहा था, सांख्यिकी माध्यम का विज्ञान है ये बाउले के द्वारा कहा गया था। आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बार आने वाला मान क्या कहलाता है, किसी भी पदमाला में जो
ऐसा मूल्य है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो वो क्या होता है, बहुलक होता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। किस श्रेणी में माध्यिका के लिए एन वट्टे दो सूत्र लगाया जाता है, ऐसी कौन सी श्रेणी है जब हम माध्यिका निकालते हैं तो किस श्रेणी के अंतर्गत एन वट्टे दो फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो वो सतत श्रेणी होती है। ठीक है, किसकी गणना के लिए प्रत्येक वर्गांतर समान होना आवश्यक है, किसकी गणना के लिए, तो बहुलक की गणना के लिए जो वर्गांतर है वो कैसे होने चाहिए, हमारे समान होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुलक माध्य और माध्यिका में क्या संबंध है, बहुलक माध्य और माध्यिका में क्या संबंध है, तो बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × माध्य, ये जो है इसके बीच में संबंध होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा प्रतिरूप मूल्य है जिसके आसपास अन्य संख्याएं केंद्रित होती हैं, यह कथन किसका है, तो यह है सिंपसन एवं काफका का कथन है। समांतर माध्य किसी वितरण का समतोलन केंद्र होता है, ये किसने कहा था, ये प्रोफेसर मिल्स ने कहा था। ये 7 प्रश्न हैं, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन, आशा करता हूँ आज को क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।